Now let us check the B part of question number 5. B part is 9 friends went on a picnic. These are the food items in the picnic basket. Fill in the last 3 columns. Okay. Now दोस्त जो हैं वो पिकनिक पे गए. यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स हैं जो कि बास्केट में हैं. जो लास्ट के 3 कॉलम्स हैं वही हमें फिल यहाँ पे करने हैं. ओके तो पहला फूड आइटम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 10 ऑरेंजेस हैं. नंबर ऑफ पीपल हु वांटेड तो उसमें कितने आते हैं, 5 आते हैं. डिवीजन स्टेटमेंट तो इसका जो डिवीजन स्टेटमेंट ये बनेगा वो ये है, 10 ऑरेंजेस हमें शेयर करने हैं 5 लोगों में. तो वही आएगा 10 डिवाइडेड बाय 5. जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ सो 5 2 10 तो क्वेश्चन आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 0. इसका मतलब ये है कि हर एक को 2-2 ऑरेंजेस मिलेंगे और यहाँ पे क्योंकि जो रिमाइंडर आया वो आया 0, ठीक है ना. तो लेफ़्ट ओवर में वो हम लिखते हैं, ठीक, जो रिमाइंडर में आता है तो वो लेफ़्ट ओवर होता है. तो नंबर ऑफ फूड आइटम्स लेफ्ट वो 0 होंगे, ठीक, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं बचा. उसके बाद क्या है, उसके बाद 15 एप्पल्स हैं. कितनों में हमें ये बांटने हैं, 7 में बांटने हैं, ठीक, 7 लोगों में. तो वही जो इसका डिवीजन स्टेटमेंट बन जाएगा वो बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7. तो जब हम 15 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आएगा जब हम 15 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 7 2 14, 5 माइनस 4 इज़ 1 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0. तो हर किसी को 2-2 एप्पल्स आएंगे, ठीक है ना, और एक वहाँ पे बच जाएगा. तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे 1. इसी तरीके से जो थर्ड स्टेटमेंट बन जाएगा डिवीजन का वो क्या बन जाएगा, 24 पेस्ट्रीज हैं, ठीक. तो ये हमें बांटने हैं कितने स्टूडेंट्स में, सॉरी नॉट स्टूडेंट्स बट पीपल इज हियर. तो 6 लोगों में बांटने हैं. तो जो इसका डिवीजन स्टेटमेंट आएगा वो आएगा 24 डिवाइडेड बाय 6. तो वही जब हम 24 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो वो क्या आएगा, ठीक, वो आएगा 6 3 18 6 4 20 24 24 माइनस 24 इज़ 0. यहाँ पे जो क्वेश्चन आया वो आया 4 और जो रिमाइंडर आया वो आया 0. दैट मीन्स हर एक को कितने ये पेस्ट्रीज मिलेगी, 4 पेस्ट्रीज. और कितने वहाँ पे बच गए, कोई भी नहीं, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे. इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है. उसके बाद हैं कीपिंग इन टच. कीपिंग इन टच में हमें करना क्या है, हमें एक तो यहाँ पे एडिशन के क्वेश्चंस हैं, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के. तो बेटा ये आपने खुद करना है, ओके. उसके बाद अगर हम अब इस चैप्टर में देखेंगे, उसके बाद इसमें वर्कशीट आता है. वर्कशीट में आपने करना है क्या है, दीज सर्कल्स हैव 9 इक्वली स्पेस डॉट्स, ईच वन शोज अ डिवीजन सम. यहाँ पे जितने भी सर्कल्स हैं ना इनमें सब में कितने कितने डॉट्स हैं, 9 डॉट्स हैं. तो हर कोई जो है ये डिवीजन सम दिखा रहा है. लाइक यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना. यहाँ पे अगर हम देखें इसको छोड़ के 1 2, फिर इसको छोड़ के 1 2, फिर इसको छोड़ के 1 2, ठीक. तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी. फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे द नंबर ऑफ लाइनस गिव्स अस द क्वेश्चन, जो जितनी लाइनस होगी ना वो क्वेश्चन हमें दिखाता है, ठीक. एंड द गैप्स इफ एनी विदाउट ज्वाइनिंग लाइनस. अब अगर कोई किसी ने ज्वाइन नहीं की होगी लाइक यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक, तो शोज अस द रिमाइंडर. ये रिमाइंडर हमें यहाँ पे दिखाता है. ड्रा लाइनस टू सॉलो. अब यहाँ पे भी हमें लाइनस ड्रा करने और सॉलो करना है, ठीक. 12 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे 12 डॉट्स होंगी और इसको डिवाइड करना है 4 के साथ. तो मीन्स हर एक लाइन में कितने कितनी, मतलब एक लाइन हमें ज्वाइन करनी है 4 के बाद, ठीक. इस वाले को छोड़ के 1 2 3 4, ठीक, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ज्वाइन की गई है. अब इसके बाद फिर से हमें 4 डॉट्स के बाद लाइन को ज्वाइन करना है, 1 2 3 4. तो वही यहाँ पे मैंने किया है. उसके बाद फिर से 4 के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पे ऐसे इसको हमें ज्वाइन करना है. तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी आ गई, 1 2 3, तो वो आ गई क्वेश्चन. और रिमाइंडर यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, तो दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. इसी तरीके से 12 डिवाइडेड बाई 5, मीन्स 5 डॉट्स के बाद हमें लाइन ज्वाइन करनी है.
इसको छोड़ के 1 2 3 4 5, ठीक इसी तरीके से एक वहाँ पे ज्वाइन करके ही है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बराबर डॉट्स नहीं है, तो ये क्या आएगा, ये रिमाइंडर आएगा, ठीक जितने वहाँ पे डॉट्स बच गए वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वही क्वेश्चन 2 आएगा, रिमाइंडर भी 2, यहाँ पे दो डॉट्स ऐसे 1 2। इसी तरीके से यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक दो दो डॉट्स के बाद हमें लाइन इसको ज्वाइन करना है, 1 2 फिर से 1 2 1 2 1 2 1 2, तो सारी लाइन्स यहाँ पे ज्वाइन हो गई हैं, ठीक। उसके बाद करना क्या है, जितनी लाइन्स आएंगी वो क्वेश्चन आएगा और नंबर ऑफ गैप्स जितने होंगे, यहाँ पे तो कोई गैप है ही नहीं तो रिमाइंडर में 0 आएगा। इसी तरीके से जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी करने हैं आपने, ओके। तो इसी के साथ अगर हम देखेंगे फिर इसमें आता है मेंटल मैथ्स आता है, मेंटल मैथ्स में अगर हम चेक करेंगे तो इसमें क्या क्या आता है, लर्न 120 डिवाइडेड बाई 3, ओके थिंक 12 टेनिस, मतलब इसमें कितने टेनिस हैं, 12 टेनिस हैं और डिवाइड किया है 3 के साथ, सो 3 4 12, तो क्या आएगा 4 टेनिस मीनस 40 आएगा इसका क्वेश्चन। इसी तरीके से यहाँ पे तो बाकी ये क्वेश्चंस जो हैं ये भी ऐसे ही करने हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाऊंगी ना प्रैक्टिस में, पहला पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है ए पार्ट जो है, दैट इज़ 90 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हम लिख सकते हैं 9 टेनिस है ना, 90 में कितने टेनिस, 9 है डिवाइडेड बाई 3, तो वही हम लिख सकते हैं और इसका आंसर क्या आएगा, 3 3 9, सो 3 टेनिस आएगा। तो वही 90 डिवाइडेड बाई 3, उसका जो क्वेश्चन आएगा 3 टेनिस मीनस 3 × 10 दैट मीन्स 30, ओके। तो इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी आपने करने हैं, लाइक अगर एच पार्ट चेक करेंगे इसका 300 डिवाइडेड बाई 5, ठीक तो ये हम लिख सकते हैं 30 टेनिस डिवाइडेड बाई 5, विच इज़ इक्वल टू 5 6 30 है ना, 6 टेनिस, तो वही हम बेटा लिख सकते हैं 300 डिवाइडेड बाई 5, विच इज़ इक्वल टू 6 टेनिस मीनस 60। तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरीके से उसके बाद यूज़ में है ए पार्ट, इसमें मिक्सड हैं, एडिशन के हैं, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के हैं, ठीक, और इसमें प्लेस वैल्यू का भी दिया गया है, तो बेटा ये आप खुद करेंगे बाकी जितने भी पार्ट्स अब इसमें हैं, ओके। उसके बाद इसमें टेस्ट और सिकल्स आता है, तो टेस्ट और सिकल्स में भी मिक्सड क्वेश्चंस हैं, बाकी जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं, तो इनकी प्रैक्टिस भी आपने खुद करनी है, ओके। तो इसी तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नया चैप्टर पढ़ेंगे।